टमाटर देखिए मुख्तलि कैटेगरी चालीस का भी मिलता है, पचास का भी मिलता था, छोटे छोटे चालीस के मिल जाते हैं, इस सबको 90 में मिल रहे हैं, जो आला क्वालिटी है 110 की मिल रही है, इसमें मजबूत होकर 60 रुपये का इजाफा है। बाकी सब्जियां जो है 15 से 20 रुपये का इजाफा है। ठीक है, चले आए ना। तो यहाँ पे इस शॉप से हमने जूते लिए हैं। ये भाई हैं, ये बहुत अच्छा अपना इंट्रो दे रहे थे, हमें बता रहे थे। भाई क्या कह रहे थे आप? यूट्यूबर का। अच्छा, चलो पाल भाई दो जोड़े ले आए और इससे वो बता रहे 4000 रुपया, 3500 रुपये का ले ये तो। आज हमारा व्लॉग थोड़ा सा अलग होने वाला है, क्योंकि हमने पहले 2 से 3 व्लॉग जो किए हैं वो हमने व्लॉगिंग के रिलेटेड, जो कि मतलब डिफरेंट जगह पे हाइकिंग और ट्रैवलिंग के बारे में किए हैं, तो ये कुछ अलग होने वाला है। तो दोस्तों, हमारा आज तक जितने भी वीडियोस आई हैं वो सारी हाइकिंग के रिलेटेड थी, लेकिन आज थोड़ा डिफरेंट होने जा रहा है। हम जा रहे हैं एक पब्लिक प्लेस पे। बेसिकली हमारा जो माइंड सेट है वो है कुछ चीज़ें परचेज करनी है तो उससे रिलेटेड, लेकिन इसके साथ साथ हम चाह रहे हैं कि हम आप लोगों को भी थोड़ा एंटरटेन करें और कुछ नई चीज़ दिखाएं। तो पब्लिक व्लॉग बनाने का मकसद हमारा ये है कि थोड़ा सा हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। काफ़ी चीज़ें हैं जो इंजन पे हमें काम करने की जरूरत, उनमें से एक ये है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, तो काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है। अभी हम कह रहे हैं कि हमने जो सोचा उसे 100 में से 5% भी नहीं गए। समी को वो वहाँ से वापस लाया है। समी साहब जा रहे थे इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। जी तो दोस्तों, हम लोग पहुँच आए हैं, मार्केट अभी आपको नजर आ जाएगी, वो उस साइड पे पीछे मार्केट है। जी दोस्तों, हम पहुँच आए हैं मार्केट में। ये तो सब्जी वाली मार्केट है, इस साइड पे सब्जियाँ टमाटर देखिए मुख्तलिफ कैटेगरी की, 40 का भी मिलता था, 50 का भी मिलता था, छोटे छोटे 40 के मिल जाते थे, इस सबको 90 में मिल रहे हैं, जो आला क्वालिटी है 100-110 की मिल रही है, इसमें मजबूत होकर 60 रुपये का इजाफा है। बाकी सब्जियां जो है 15 से 20 रुपये का इजाफा है। ठीक है, चले आए ना। एक मिनट,
तो जैसे हम यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे समा न्यूज वाले यहाँ पे कुछ कवर कर रहे थे क्योंकि मार्केट वगैरह का रेट वगैरह बता रहे थे। आदिल भाई अचानक उनके सामने नमदार में तो उन्हें वैसे ऑफर किया, हमें भी कैमरा उठाए खड़े थे, उन्होंने कहा कि सर रेट तो बहुत ज्यादा हो गए। आप देखें कि कोई चीज जो पहले 30 रुपए की 40 रुपए की चीज थी या 100 के साथ शुरू हुआ थी उससे 30% जिसके लिए 50% हो गया तो 60% पे इंक्रीज हो चुके हैं। लाइक 100 रुपए वाली चीज 150 की 170 की जा चुकी है। इसी तरह बाकी चीजें भी सब्जी के अलावा बाकी जो चीजें हैं वो भी बहुत एक्सपेंसिव आप भी उससे पहुंच बाहर मजा आप देख लें कि हमारे मुल्क की जो मैशियत है वो जाने के लिए जो चाहे बैन है उनका रमजान की वजह से बन जाए, यही जो चीज़ है जो मैं पॉइंट कह रहा हूँ सर, पॉइंट यही है कि रमजान की वजह से ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में आप देखें तो वहाँ पे रमजान की वजह से इवन वो कंट्री जो जहाँ पे इस्लाम नहीं है वो लोग भी रमजान के लिए हमारे लिए चीज़ें सस्ती कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे चीज़ें एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव हमारे कंट्रोल रेंज से बाहर जा रही है बहुत नहीं होगी। यहाँ छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे मजदूरी में लग रहे हैं, हालांकि पाकिस्तान में कहते हैं कि चाइल्ड लेबर जो जुर्म है वो जुर्म है, लेकिन यहाँ पे आम है और न्यूज वाले यहाँ पे ये चीजें कोई भी कवर नहीं कर रहा सामने। दादिल भाई कितने की है यार ये? कितना बताया? 130 रुपए की 230 रुपए की केजी है, 60 रुपए की पाव है, 60 रुपए की 60 रुपए की अभी वो हमें देंगे। यहाँ पे बाकी चीजों की भी रेट है तो यहाँ पर रेट लिस्ट हर जगह पर लगी हुई है। रमजान है तो काफी चीजें महंगी हो गई हैं, तो वैसे हमने समा वालों को जैसे इंटरव्यू दिया उसके मुताबिक वही चीज कवर कर रहे थे कि रमजान जैसे स्टार्ट हुए काफी चीजों का भाव यहाँ पे बहुत बढ़ गया। यार समीर हमने ये ले लिए, अभी इनको वॉश करना है, वॉश करने के लिए कहाँ से पानी ढूंढे, चल आ जाते हैं चलते हैं। इस दुकान में हम जाते हैं क्योंकि हाइकिंग वगैरह के रिलेटेड हमारा चैनल है तो उसके लिए हमने ट्राउजर लेने हैं। हाँ समी पसंद कर कोई पसंद करी दे ताकि चढ़ाई पूरे ट्रैक सूट लेना है, ट्रैक सूट आप ले सकते हैं। तुम्हें पता कि चढ़ाई मारना बड़ा मुश्किल है, कश्मीर कोई ट्राउजर लाने कोई चढ़ाई मारना मुश्किल ना हो। ट्रैक सूट पूरा ट्रैक सूट है चेक करना यहाँ से ही नहीं लेना ठीक है, एक पे डिपेंड नहीं करते वैसे आए इतने दूर मार्केट से कम से कम 20-30 किसका दंदासा किस चीज का ये कितना देगा जिसका एक कार्ड यार हमें लेना है यहाँ वैसे इसके बारे में थोड़ी सी बताया ना यार अखरोट का देसी अखरोट आप बताएंगे इसके बारे में कुछ मैं बताता हूँ ना यार हमारे अखरोट ना बेसिकली अखरोट की जड़ों से अखरोट के जो ग्रास होते हैं ना उसका छिलका कहलाते हैं उसको कहते हैं दंदासा जो मसवाक के तौर पे इस्तेमाल होता है दांत साफ करने के लिए दंदासा का शोज वाली दुकान में फाइनली पहुंच चुके हैं। बार्गेनिंग वगैरह तो आदिल भाई खुद ही करेंगे, सड़क कम ही नहीं है जो बेकार है बेकार समीर शो चेक करना देखने पूरे या नहीं पूरे समीर पूरे नहीं ना पूरे समीर है ना पूरे मैं किन्ने थे तंग तो नहीं करना समीर नहीं रोटी से वैसे मजा नहीं है लेकिन
हाल भाई दो जोड़े ले आए हैं और इसके वो बता रहे हैं 4,000 रुपया 3,500 रुपये ये तो वही तो थोड़ा बहुत अच्छा भाई साहब को कुछ नहीं लग रहा फिर कुछ नहीं लग रहा सीरियसली फिर ठीक है छह पीना है मीठा पीका जिन्हें इसकी कहते कोई चीज पसंद नहीं आई बिली बिली 4,000 रुपए तो हम दूसरी दुकान पे आ गए हैं उस दुकान वाले से कोई फेयर प्राइस नहीं मिल रहे थे और लास्ट में उन्होंने वीडियो भी बंद करवा दी और वीडियो डिलीट करके हम वहाँ से आए हैं उन्होंने कहा कि वीडियो डिलीट कर दो तो वीडियो डिलीट कर दें लेकिन हमारी रिसाइकल भी नहीं पड़ी थी इसलिए दोस्तों यहाँ पे हम जूते ले रहे हैं समीर साहब को जूता पसंद है देखें समीर सही है दूसरा चेक का क्या बताया भाई ने कितने ये 3,000 से कम नहीं कर रहे थे बड़ी मुश्किल से जाके चुपी से दोस्तों यहाँ पे इस शॉप से हमने जूते लिए हैं ये भाई हैं ये बहुत अच्छा अपना इंट्रो दे रहे थे हमें बता रहे थे भाई क्या कह रहे थे आप यूट्यूबर का अच्छा चला और काम काज कैसा है आपका बस आजकल तो महंगाई बहुत है महंगाई आपको भी पता है कि कितने महंगे आते ये एक छोटा सा दुकानदार है इसने हमें जूते दिए बहुत अच्छा लड़का है क्या नाम है भाई का समीला भाई हमारे साथ भी समीला है ये चले अच्छा समीला भाई आपने ये स्ट्रॉबेरी खाई है शायद हो सकता है आपने पहली बार खाई हो लेकिन आपको पता हमारे गांव में होते हैं पिंबोल है जिनको बोलते हैं लेने भाई पिंबोल है आपने खाए होंगे वो बोले कभी मैं तो बहुत ज्यादा खाते यार दूसरे तीसरे दिन जंगला गश्ते गर्मियों में चले नहीं गर्मियों में चाहे यार दो त्रीय दिन चढ़ी गई उपरा था उपरा गई खाई अच्छी नहीं तो हमारे गांव में स्ट्रॉबेरी से बिल्कुल मिलता जुलता एक फल कह सकते हैं वो होता है जिसे हम लोकल लैंग्वेज में पिंबोला कहते हैं पहाड़ी इलाकों में अक्सर ये पाया जाता है मुख्तलिफ इलाकों में इसके मुख्तलिफ नाम हैं जी तो दोस्तों हमारी शॉपिंग तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है यहाँ मार्केट में बेसिकली कैमरा अलाउ नहीं कर रहे दो तीन शॉप से हम गए हैं तो उन्होंने कहा जी कैमरा बंद कर दो इसलिए हम इस तरह से प्रॉपर वीडियो नहीं बना सके लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें हमने कवर की हैं जो बाकी चीज़ें भी हैं वो हम आपको दिखाएंगे क्या क्या लिया है कितने का लिया है अभी हम वापस जा रहे हैं घर की तरफ